ये फ्रेम में एसी लगा हुआ है, ये शायद आपने नोटिस भी ना किया हो। ये है मेरा न्यू ऑफिस। आप लोगों को पता है मैं 15 डेज पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। एक वर्क प्लेस मैंने बनाई जहाँ पे मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर सकूँ सारा यूट्यूब का। ये एसी आपने मुझे पता है नोटिस भी नहीं किया होगा, बट इसको लगाने के पीछे जो मैंने पूरा दिन जो हमने लगाया यहाँ पे ये स्टोरी उसके बारे में है। अब ये जो आप एसी देख रहे हैं हायर का, ये एक दिन पहले कल हमने परचेज कर लिया। अब वो एसी उन्होंने पहुंचा दिया दोपहर का टाइम, उनकी टीम आई, उन्होंने कहा हम लोग इसको लगा देंगे। टीम नहीं आई, अब ये दूसरा दिन आ गया। दूसरा दिन ये टीम आई, एक बजा है टीम इनकी आई है, दो भाई हैं, एक आके पर एक दूसरा, इनका मुझे नाम नहीं याद। ये यंग से बच्चे 18 साल के एसी को इंस्टॉल करने आए, और फिर जो जद्दोजहद शुरू हुई इस एसी को इंस्टॉल करने में। पहले एक जगह पर ट्राई किया, यहाँ पर नहीं इंस्टॉल हुआ। कर करके बड़ा पहले पूरा एसी लगा दिया, सारा सेट कर दिया। जब एसी को ऑन किया तो जनाब पहली ठुस की आवाज़ आई, और पता चला कि बेड़ा गर्क हो गया, गैस लीक हो रही है। जो अंदर इंस्टॉल्ड पाइप्स थे, इनके कहने के मुताबिक वो पहले से टेढ़ा था। मेरे हिसाब से उनसे ये मिस्टेक हुई थी, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमने बहस नहीं की। और फिर जो हमारे प्लाजे के ओनर हैं रियान भाई, उनसे हमने डिस्कस किया। मैंने कहा यार क्या करें, नया सुराख किया जाए इस पॉइंट पर, नया जीरो से लगाएं या फिर अंदर वाले को ही यूज़ करें। हम बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार क्या मज़ा, फिर जगह पे एसी लग रहा है, बस थोड़ी देर रह गई है, जो है आधे घंटे में एसी लग जाएगा। और हम यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, आगे वो दो भाई जो है काम कर रहे हैं, और हमें नहीं पता था आगे होने क्या वाला है ना। देखें यार, एक मेरा सीधा ही है, हाँ लेवल में जब है तो लेवल ही बनी चाहिए, लेवल सीधा ही तो लेवल रखा है, लेवल ये वीडियो चल रही है क्या? ओए हाँ ये तो चल रही है। और जैसे जानी नहीं बनाता फैसलाबादी, वो वाला वो वैसा कुछ चैनल था, उन्होंने बनाया। बहुत शुक्रिया, हमने एक दो वीडियो बनाई ठीक है अपलोड करने के लिए। अच्छा यार, अब सीन ये है कि ये दो भाई हैं मेरे साथ, एक का नाम है आकिब और दूसरे भाई का क्या नाम है? फयाज भाई। ये हायर की तरफ से आए हुए हैं और ये एसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। आज फाइनली आधे महीने बाद ये काम हो रहा है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब खैर खरीद से हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहाँ से अपने आप को कहता आसाम बेटा, थोड़ी देर और सबर कर जो, अब पता लग गया कितना ये खैर से होने वाला है। इसका इंटरनल यूनिट तो लग गया, अभी आउटर यूनिट को लगा रहे हैं, हवा चलनी शुरू हुई है। अंदर तो अंदर ट्रैप हो जाती है ना यार, अंदर का एग्जॉस्ट भी नहीं है, जैसे वहाँ वो देख के अंदाज़ा हो रहा हो कि हमारी इस वक्त क्या हालत है। तो लगता तो फिर इंशाल्लाह बताते हैं आपको। मैंने इनसे पूछा यार आप लोगों को सुबह आते हुए इतनी देर क्यों हो गई थी ना, तो ये मुझे उस पर बता रहे थे कि रास्ते में एक गाड़ी का बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो साइड से पंच थी, दूसरी जो सुजुकी थी वो चले आगे, वो है थोड़ा बोनट वगैरह इंजन बड़ा हुआ, तो बिल्कुल उसके जो टांगे फारिग हो गए होंगे। खैर बड़ी देर के बाद फिर हमने उसको उतारा, नए पॉइंट पर लगाया। मैंने कहा कहीं ये ना हो गए पुराने पॉइंट के ऊपर फिर से कोई नया पंगा निकला है, को फिर से पता चला जी अंदर पाइप टेढ़ा है, कुछ मसला है, कोई मसला है। तो हमने उसको फिर वहाँ से शिफ्ट करके इस जगह के ऊपर शिफ्ट किया। चलो यार फाइनली अभी ये अपनी आखिरी मरलात को है। इस वक्त 8 या 9 बज चुके हैं, हम लोग 2 बजे से एसी लगाने का काम हमने शुरू किया हुआ है। पहले ये मिशन फेल्ड यहाँ पर लगाने की कोशिश की थी, तो आपको पता है कि इसकी तारी वो जो ट्यूब होती है वो टेढ़ी हो गई, तो यहाँ से गैस लीक हो रही थी। फिर इसको बहुत तोड़ना पड़ना था, तो उस वजह से फिर हमने कहा यार इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे दोबारा से एक और होल किया, और यहाँ से बाहर से इसका पॉइंट देकर तो अब एसी लगा दिया, और वो ऊपर से इसकी इलेक्ट्रिसिटी की डक्ट आ रही है। और आउटर यूनिट भी आपको मैं दिखा दूँ, आउटर यूनिट ये बैठा है मेरा। आप ये देखें, इन्होंने सुबह से लेकर अभी तक ये मेरा साथ दिया है, इससे क्या मैं आपको कहूँ। और ये हमारे लॉरी भाई हैं, जो कि अब थोड़ा सा जल्दी काम कर रहे हैं, और सही ज़ोर से काम कर रहे हैं खाना खाने के बाद। पहले इनका फ्यूल लो था, तो ये बेचारे बड़ी इन लोगों की हिम्मत है यार, ये सुबह से आए हुए हैं, लगा रहे हैं। और 9 बज गए हैं, मेरा ख्याल है इसकी लगेगा,
मेरा तो चाह रहा है ऐसी लगे मैं इधर ही सो जाऊँ आज, इतनी हालत ख़राब हो रही है। कोई क्योंकि हालत क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि पहली बात ना पंखा चला सकते थे सही तरह, क्योंकि ए सी काम हो रहा है, ऊपर से पानी हम उबलता हुआ पानी पी रहे हैं, और ये बड़ा एग्जॉस्ट फैन भी आ गया। ये देखें भाई, अब ओवरऑल रूम में जो है ना वेंटिलेशन हो जाएगी, वॉशरूम में लगाएंगे इसको। बस अब इंशाल्लाह आके भाई, अब हमारी क्या सूरत हाल है, किस स्टेज पे हैं, हो गया फिनिशिंग पे, फिनिशिंग स्टेज पे हैं। बस आउटर यूनिट भी लग चुका है, तो जब इसकी एसी की ठंडी हवाएं आएंगी तो आप तक भी पहुँचेंगी, तो आपको पता चल जाएगा। और सारे प्रोसेस में 9 घंटे लगे, 1 बजे इनकी टीम आई और 9 बजे आपका भाई एसी लगा के यहाँ से फ्री हुआ। लेकिन आए हाय है ये ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना, दे आर वर्थ इट यार। चले मैं अभी ऑन करने लग गया आपके भाई, ये ना टूट टूट किया कुछ हुआ था। डायरेक्ट कर दिया है, 3-4 मिनट लेगा जी कंप्रेसर ऑन। अच्छा ये फर्स्ट टाइम 3-4 मिनट लेता है, हैं? अच्छा है मूड में, मेरा बड़ा प्यारा रिमोट बनाया यार, थोड़ी हॉस्पिटल की फील आ रही है, हॉस्पिटलों में ऐसा होता है यार। इतनी हवा भी आ जाए तो मैं खुश हूँ यार, अभी इतनी भी आ जाए तो, इतनी भी आ जाए बहुत है। दिस इज़ लाइक 5th फ्लोर ऑन दिस बिल्डिंग। अगर आपने मेरी पिछली ऑफिस शिफ्ट होने की वीडियो नहीं देखी तो आप इसको छोड़ दें, आप वो जाके देखें यार, कैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया अपने घर से 5वें फ्लोर के ऊपर, मैं यहाँ पर अपना वर्क स्पेस बनाई है। इट वॉज वर्थ इट, द बेस्ट प्लेस एवर। बट द गर्मी से मेरा सर का अंडा उबल गया और फिर ये ऐसे आए आए हाय हाय क्या, और ये व्यू मज़ा आ गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एसी लग गया, तो मैंने सफाइयाँ की रात को। अच्छा यार अभी एसी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है एसी लग गया, कूलिंग शुरू हो गई, ठंडी हवा आ रही है। अभी सारा जितना भी गंद मचा हुआ है नीचे इसको सफाई करनी है मैंने। रात के इस वक्त बजे हैं जी 8:47, तो अभी सारी सफाई कर लूँ ताकि जब सुबह आके मैं काम करूँ तो ये सारा साफ़ सुथरा हो। तो लेट द वर्क बिगिन यार। तो जो मैनेजमेंट ऑफ द प्लाजा है ना, उनके ये 2 बेटे हैं, रेहान भाई और हारिस भाई, हारिस भाई बड़े हैं, तो वो जब एसी लग गया मैं सफाई कर रहा था, तो वो फिर रात को जाने से पहले अपने घर तो देखने आए, उनका ऑफिस हमारी बिल्डिंग में ही है, वो देखने आए कि कैसा चल रहा है एसी, कैसी कूलिंग हुई है, तो उनके साथ मैंने गपशप लगाई और फिर उसके आगे मैंने सारी सफाई कम्प्लीट करके फिर मैं भी आया। सुने ये हैं हारिस भाई, इधर अपना मास्क उतार रहे हैं, इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, कोई अपना रिश्ता भेजें भाई इनके लिए, आजकल बहुत ये ढूंढ रहे हैं रेडी हैं भाई। मैं सफाई सफाई कर रहा हूँ ना, तो वो फिर उसको पास चला दूंगा उसको सही है। हाँ खुदा।